गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे हमने किया था ओपन सेट बेस्ड थ्योरम की थी, इंटीरियर पॉइंट किया था, है ना, नेबरहुड किया है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ठीक है, लिमिट पॉइंट में क्या आ जाता है? नेबरहुड डिफाइन किया था हमने, किसी पॉइंट के अराउंड जो था वो उस सेट का नेबरहुड था, है ना। किसी पॉइंट के अराउंड हमने नेबरहुड डिफाइन किया था कि उसमें से अगर कुछ एप्सिलॉन माइनस कर दें या कुछ एप्सिलॉन ऐड कर दें तो जो उसका ओपन इंटरवल आएगा उसमें हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। ये था हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर एस कोई भी सबसेट है हमारा आर का, ठीक है, आर का कोई भी पॉइंट लिया हमने पी, और पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन कहाँ पे बिलोंग कर रहा था हमारा, अगर एस के अंदर जाता है, ठीक है, तो एस क्या था हमारे पास? नेबरहुड था किसके लिए? पी पॉइंट के लिए। यही था हमारे पास, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं? लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी सेट के लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब लिमिट पॉइंट में क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो, पी को लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? बात तो वही हमारे पास जो नेबरहुड की डेफिनेशन थी कि पी अगर कोई भी पॉइंट लिया हमने, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, पी बिलोंग्स टू आर, पी को हम लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस, और जो कि एस किसका सबसेट है हमारे पास? आर का सबसेट है, ठीक है। कब? अगर एवरी नेबरहुड ऑफ पी, एवरी नेबरहुड ऑफ पी का मतलब क्या होगा कि पी का नेबरहुड क्या बनेगा? पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ, कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ एस, कि एस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा। कहने का मतलब सिंपली यही है कि अगर हम p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन इंटरवल किसके अंदर बिलोंग होना चाहिए? एस के अंदर सबसेट होना चाहिए एस का, है ना, सबसेट होगा तभी तो उसके इनफाइनाइट पॉइंट को भी कंटेन कर सकता है। अब लिमिट पॉइंट क्या बोलता है? लिमिट पॉइंट बोलता है कि p माइनस एप्सिलॉन इस पॉइंट का जो नेबरहुड लिया है हमने वो, ठीक है, अगर उसका इंटरसेक्शन हम एस सेट के साथ डिफाइन करें और उस पी पॉइंट को हम निकाल भी रहे हैं उसके बाद, ठीक है, जैसे कि हमने नेबरहुड की डेफिनेशन की थी कि पी पॉइंट को वहां से रिमूव कर दें, तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करने चाहिए, ये नॉट इक्वल्स टू फाई आना चाहिए, ठीक है। देखो, हमने बोला कि पी कोई भी आर का पॉइंट लिया हमने, रियल नंबर लिया, पी को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे एस का। कब बोलेंगे लिमिट पॉइंट हम? अगर p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा s के, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा s के, दैट मीन्स वो ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए s का। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि उस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन अगर उस सेट के साथ डिफाइन करें, ठीक है, और उसमें से भी हम अगर उस p पॉइंट को जिसका नेबरहुड हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसको लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं, उसको अगर माइनस कर दें तब भी हमारे पास उस इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन बचेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि हमारे पास पी कोई भी सेट लिया, रियल नंबर ले लिया हमने थ्री, तो थ्री माइनस एप्सिलॉन, थ्री प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ डिफाइन कर रहे हैं कि सेट एस, एस के अंदर क्या है हमारे पास? हमने मान लिया एस के अंदर है वन से फाइव, ठीक है, तो थ्री वाला इंटरवल इसी के अंदर लाई करेगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे थ्री आएगा, तो थ्री के जो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे थ्री माइनस एप्सिलॉन और थ्री प्लस एप्सिलॉन वो इसके अंदर लाई करेंगे। अगर हम उस थ्री पॉइंट को सिंपली माइनस भी कर दें यहाँ से तो भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट बच जाएंगे, है ना, नॉन एम्प्टी आएगा। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही है हमारे पास कि पी लिमिट पॉइंट कब होगा अगर कोई एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा उसका इंटरसेक्शन उस सेट के साथ डिफाइन करे और उस पॉइंट को निकाल भी दे तो इंटरसेक्शन कैसा रहेगा हमारा? नॉन एम्प्टी। अगर ये इक्वल्स टू एम्प्टी आ जाता है, अगर ये इक्वल फाई आ जाता है हमारे पास, तो हम उसको लिमिट पॉइंट नहीं बोलेंगे, लिमिट पॉइंट वहां पे हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट लिमिट, लिमिट पॉइंट नॉट एग्जिस्ट।
इन दैट केस, ठीक है, क्लियर है भाई। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही है कि P को लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, अगर P S सबसेट है, कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा हमारा जीरो से ग्रेटर देन, तो P किससे बिलोंग करेगा, P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन S के साथ डिफाइन करेंगे। अगर उस P पॉइंट को निकाल भी तो दें तो इंटरसेक्शन कैसा आना चाहिए हमारा, नॉन एम्प्टी, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू अगर फाई आ जाता है तो हम उसको लिमिट पॉइंट नहीं बोलेंगे। लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं उस सेट के लिए, क्लस्टर पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कि 17 एग्जांपल किए थे हमने पीछे, वैसे ही है एग्जांपल, कुछ पॉइंट है हमारे पास। क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल क्यू। रियल नंबर जो होगा लिमिट पॉइंट होगा क्यू का, होगा क्यों, क्यों होगा, सिंपली हमें पता है कि जो क्यू और आर होते हैं, क्यू और क्यू डैश जो होते हैं हमारे पास, मतलब रेशनल और इरेशनल जो नंबर होते हैं, है ना, वो किसका सबसेट होते हैं, आर का। और इसके आर के साथ तो इसके बहुत सारे, अगर क्यू का कोई भी पॉइंट उठाएंगे, क्यू सबसेट उठाएंगे आर का, ठीक है, आर का कोई पॉइंट लेंगे, उसका नेबरहुड डिफाइन करेंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ तो आएगा हमारे पास, नॉन एम्प्टी तो आएगा नहीं कि इक्वल्स टू फाइव आ जाए। ऐसे ही अगर रेशनल को उठाएं सबसेट आर का, वहां से करेंगे तब भी हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे, नॉन एम्प्टी आ जाए, नॉन एम्प्टी नहीं आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन। तो हर एक रियल नंबर के लिए हमें पता है रेशनल नंबर का सेट उठाएंगे तो हमारे पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा। एवरी रेशनल रियल नंबर जो होगा लिमिट पॉइंट होगा आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर का ही सेट हो जाएगा ना हमारे पास, कि रेशनल नंबर को अगर आर में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए वही कंडीशन हो जाएगी कि अगर किसी पॉइंट के लिए एक्स कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू डिफाइन करेंगे, तो उस पॉइंट को निकाल भी दे तो वो इंटरसेक्शन कैसा आएगा हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इन सेट ऑफ इंटीजर्स हैव नो लिमिट पॉइंट एज देयर इज नेबरहुड ऑफ रियल नंबर पी इन विच। अब यहाँ पे तो नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट पॉइंट कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर और इंटीजर के केस में। नेचुरल नंबर हमने किया था कि क्या थे, फाइनाइट थे हमारे पास, है ना, नंबर में कि वन टू काउंटेबल, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे काउंट कर सकते थे हम उसको, है ना, तो वहां से हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास इंटीजर के केस में भी हमारे पास नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर ऐसे, है ना, क्या था हमारे पास, सॉरी, नेचुरल नंबर में क्या था हमारे पास, वन टू थ्री फोर ऐसे काउंटेबल नंबर चल रहे हैं, काउंटेबल नंबर चल रहे हैं, तो दैट मीन्स वहां पे हम नेबरहुड डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमने लिया कि इंटीजर का केस, इंटीजर का केस में क्या आएगा हमारे पास, जीरो माइनस माइनस वन, वन टू अप टू ऐसे चलेगा हमारे पास माइनस टू, बट यहाँ पे जो इसके बीच के पॉइंट होंगे, जैसे लाइक थ्री और फोर के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे वन और टू के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे तो हम नेबरहुड डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर नेबरहुड डिफाइन नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ आर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ, खुद का तो होगा ही होगा रियल नंबर के ऊपर, तो हम कितना भी डिफाइन कर लें, जीरो इज द लिमिट पॉइंट ओनली ऑन द सेट वन बाय एन, वन बाय एन को अगर डिफाइन करें, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन को वन पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, टू पुट करेंगे तो वन बाय टू आ जाएगा, थ्री पुट करेंगे तो वन बाय थ्री, फोर पुट करेंगे तो वन बाय फोर, वन बाय फाइव, लाइक दिस आ जाएगा। मतलब एन को अगर इन्फिनिटी टेंड करा दें, हमें पता है कि इनफाइनाइट वैल्यू तक चलेगा, एन कहाँ टर्मिनेट होता है हमें नहीं पता, तो वन अपॉन, जैसे ही हम वन अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, किसको टेंड कर जाएगा, किसको अप्रोच कर जाएगा हमारा वैल्यू, लिमिट किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो जीरो क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ जीरो ही इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, जीरो में से जीरो सारे के सारे देखो इसमें जीरो पॉइंट समथिंग आएंगे हमारे पास, तो जीरो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल करने आज आपको, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। ड्राइव सेट क्या होगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा, ड्राइव सेट फिर से करेंगे आज, नेबरहुड की लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन और एग्जाम्पल करके देखना, ठीक है।